ये एक स्कूल टाइम टेबल है जो मैंने एक्सेल में बनाया है। न्यू फॉर्मेट बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। टॉप पर है हमारे पीरियड्स और लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे क्लासेस। पीरियड्स के जस्ट नीचे है टाइम। फर्स्ट पीरियड का टाइम है 9 AM। इनकेस आपको टाइम चेंज करना हो तो आपको जाना होगा सेटिंग शीट में और यहाँ टाइम का ऑप्शन है। हम क्लिक करेंगे यहाँ और ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है। क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर और यहाँ से हम टाइम चेंज कर सकते हैं। पीरियड ड्यूरेशन करेंटली 30 मिनट्स का है, आप चाहें तो इसे भी चेंज कर सकते हैं। हम आते हैं अपने टाइम टेबल में और ये देखिए पहले 9 AM था, अब यहाँ पर 8 AM हो चुका है। सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास ड्रॉप डाउन है। हम जो भी सब्जेक्ट चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश। जैसे हमने फर्स्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पर टीचर का नेम ऑटोमेटिकली आ चुका है। हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास सिर्फ एक टीचर है, तो हमने इंग्लिश के टीचर को असाइन कर दिया क्लास 6 के लिए। अगर हम फर्स्ट पीरियड में इंग्लिश टीचर को किसी और क्लास में असाइन करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश टीचर हमारा बिजी है। हम कोई और सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस मैं यहाँ से इंग्लिश को डिलीट करता हूँ और क्लिक करता हूँ यहाँ, तो ये देखिए इंग्लिश का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। सेलेक्ट करते हैं हम इंग्लिश। इन केस अगर सेम टीचर को या फिर सेम सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना हो सेकंड पीरियड में, तो हम क्लिक करेंगे यहाँ और यहाँ पर सेकंड पीरियड में हम इंग्लिश को सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल मैंने 8 पीरियड्स लिया हुआ है और बीच में है हमारा लंच ब्रेक। इस फॉर्मेट में टोटल 3 शीट्स होंगे। फर्स्ट होगा सेटिंग शीट, जहाँ पर होगा टीचर्स नेम एंड सब्जेक्ट्स, पीरियड टाइम मैनेजमेंट, जहाँ पर होगा स्कूल का ओपन टाइम, और स्कूल का ओपन टाइम मैनेज होगा ड्रॉप डाउन से। उसके बाद होगा पीरियड ड्यूरेशन। अगर आपको अपने टाइम टेबल में ड्यूरेशन चेंज करना है तो आपको यहाँ पर चेंजेस करने होंगे और वो ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली टाइम टेबल में फीचर होगा। चलते हैं वापस सेटिंग शीट में। टीचर्स नेम एंड सब्जेक्ट के बेसिस पर मैंने क्रिएट किया है सब्जेक्ट वाइज क्लास टीचर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट शीट। सेकंड शीट होगा हमारा फिल्टर्ड लिस्ट। फिल्टर्ड लिस्ट में हमारे फॉर्मूलाज होंगे। 8 पीरियड्स के लिए अलग अलग हमने फिल्टर लिस्ट क्रिएट किया हुआ है। टॉप पर जो हमारा फिल्टर्ड लिस्ट है उसमें मैंने फिल्टर फंक्शन यूज़ किया है। फिल्टर फंक्शन MS Office 2021 और 365 में अवेलेबल है। इन केस आप ओल्डर वर्जन्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि विदाउट फिल्टर फंक्शन है। तो ये है हमारा सेकंड शीट, और थर्ड शीट है हमारा टाइम टेबल। टाइम टेबल के मैंने दो टाइप्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट टाइप है जिसमें फिल्टर फंक्शन यूज़ किया है, और सेकंड टाइप है जिसमें मैंने फिल्टर फंक्शन यूज़ नहीं किया है, जो कि ओल्डर वर्जन्स के लिए है। तो हम एक न्यू फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं एक न्यू वर्कबुक ओपन कर लूँगा, शीट को रीनेम करते हैं। ये हो जाएगा सेटिंग्स। सेटिंग्स का डेटा मैं अपने एग्जाम्पल फाइल से ले लूँगा। कॉपी करते हैं इसे कंट्रोल सी या कमांड सी और जाते हैं अपने ब्लैंक फॉर्मेट में, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी या कमांड वी। जाएंगे व्यू में शो और यहाँ से ग्रिड लाइंस को हम रिमूव कर देंगे। यहाँ से सारे डिटेल्स को हम डिलीट करते हैं। क्लासेस को भी हम डिलीट कर लेंगे। स्कूल ओपन टाइम और पीरियड ड्यूरेशन को भी हम डिलीट कर लेंगे। शीट को हम रीनेम करते हैं। ये हो जाएगा सेटिंग्स। सब्जेक्ट्स, यहाँ से सारे सब्जेक्ट्स को हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी या कमांड सी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी या कमांड वी। हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास एक टीचर है। हम कॉपी करते हैं टीचर्स के नेम को कंट्रोल सी या कमांड सी और यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी या कमांड वी। सेकंड टीचर के नेम को कॉपी करते हैं और इसे भी यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी या कमांड वी। इसी तरीके से हम सारे टीचर्स के नेम को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सारे नेम्स यहाँ पर पेस्ट हो चुके हैं। अगर आप एक्स लुकअप या वी लुकअप का यहाँ यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। तो हमारे सब्जेक्ट्स हो गए और सारे टीचर्स भी हो गए यहाँ पर। यहाँ हम इंसर्ट करेंगे अपने क्लासेस। ये फॉर्मेट क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक लिए मैं क्रिएट करूँगा। क्लिक करूँगा यहाँ प्लस या इक्वल टू रोमन ब्रैकेट ओपन, टाइप करेंगे 6 या फिर इंसर्ट करेंगे 6, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर। ये क्लास 6 आ गया, इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। आते हैं यहाँ पर, इसे कर लेंगे 7। ये हो जाएगा 8, 9 और ये हो जाएगा 10। परफेक्ट। पीरियड ड्यूरेशन, हम ड्यूरेशन रखेंगे 30 मिनट्स का, तो मैंने इंसर्ट कर दिया 30। इनकेस आपका ड्यूरेशन 40 है तो आप यहाँ 40 कर सकते हैं, और अगर उससे कम या ज़्यादा है तो वो फिगर आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये फिगर मिनट्स में होगा। इनकेस आपका पीरियड 1 आवर का होता है तो आपको इंसर्ट करना होगा 60, मीन्स टोटल 60 मिनट्स। स्कूल ओपन टाइम, आप चाहें तो यहाँ एंट्री मैनुअली कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। जाएंगे हम डेटा में, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। सोर्स, मैं यहाँ टाइप करूँगा 7,
8 या फिर हम 7:30 कर लेते हैं इसे, कॉमा 8, कॉमा 8:30, कॉमा 9। आप चाहें तो इसके आगे भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर मैनुअली 250 कैरेक्टर्स तक की एंट्री की जा सकती है और हम करेंगे ओके। तो हमारे यहाँ ड्रॉपडाउन क्रिएट हो चुका है, हम सेलेक्ट करते हैं 8 AM। जैसे हमने सेलेक्ट किया 8, यहाँ पर 8 AM आ चुका है। न्यू शीट इंसर्ट करते हैं, ये होगा फिल्टर्ड लिस्ट और हमारा थर्ड शीट होगा टाइम टेबल। आते हैं अपने फिल्टर्ड लिस्ट में, कॉलम ए को हम क्लोज लेंगे, क्लिक करेंगे B4 पर, सीरियल नंबर, पीरियड 1, एंटर। पूरे रो को सेलेक्ट करते हैं, होम में जाते हैं, सारी चीज़ों को सेंटर अलाइन कर लेंगे, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे, क्लिक करेंगे पीरियड 1 पर और इसे हम ड्रैग कर लेंगे। पीरियड 5 को यहाँ से कट करते हैं, कंट्रोल एक्स या कमांड एक्स, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी। पीरियड 4 के बाद हमारा लंच ब्रेक होगा, इसे हम पीरियड 8 तक ड्रैग कर लेंगे। सारे पीरियड्स हमारे इंसर्ट हो चुके हैं, क्लिक करेंगे सीरियल नंबर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की, यहाँ कोई कलर इंसर्ट कर लेते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ भी हम कलर इंसर्ट कर लेंगे और फॉन्ट कलर चेंज कर लेंगे, बॉर्डर्स इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ भी हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे, क्लिक करते हैं B2 पर और एंड तक हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसे आपस में मर्ज कर लेंगे, कोई कलर इंसर्ट कर लेंगे, फॉन्ट कलर चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा टीचर्स एंड पीरियड डिटेल्स, एंटर। बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, रो नंबर 1 को क्लोज लेते हैं, रो नंबर 3 को भी क्लोज ले लेंगे, सीरियल नंबर 1, एंटर। 10 तक इसे हम ड्रैग कर लेंगे, फिल सीरीज 11-12 एक्स्ट्रा है, डिलीट कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसे, बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे, यहाँ भी बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे, हम जाएंगे व्यू में शो, यहाँ से ग्रिड लाइंस को हम रिमूव कर देंगे। हमारा यहाँ आउटलाइन रेडी है, चलते हैं हम टाइम टेबल में, कॉलम ए को क्लोज लेंगे, क्लिक करेंगे B4 पर, यह होगा क्लासेस, एंटर। क्लिक करेंगे क्लासेस पर और नीचे वाले सेल को भी सेलेक्ट कर लेंगे, इसे आपस में मर्ज कर लेंगे, इसे नीचे ड्रैग कर लेंगे, यहाँ से क्लासेस हम डिलीट करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ हम टाइप करेंगे प्लस या फिर इक्वल टू रोमन ब्रैकेट ओपन, टाइप करेंगे 6, एंटर। इसे हम ड्रैग कर देते हैं क्लास 10th तक, ये था 6th, ये हो जाएगा 7th, ये हो जाएगा 8th, 9th और ये हो जाएगा 10th। आपको सिर्फ ब्रैकेट में फिगर्स चेंज करने हैं, सेलेक्ट करते हैं सभी को और सेल कलर चेंज कर देते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेंगे, कॉलम सी को क्लोज लेते हैं, ये हो जाएगा पीरियड, एंटर, और ये हो जाएगा टाइम, एंटर। पीरियड ये हो जाएगा 1, एंटर, इसे हम ड्रैग कर लेते हैं, फिल सीरीज, पीरियड 4 के बाद हमारा लंच ब्रेक है तो इसे हम कट करते हैं, कंट्रोल एक्स या कमांड एक्स और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी। अब इसे क्लास 8 तक हम ड्रैग कर लेंगे, 9 आ गया, इसे डिलीट कर लेते हैं। टाइम प्लस या इक्वल टू, जाएंगे अपने सेटिंग शीट में और स्कूल ओपन टाइम पर हम क्लिक कर देंगे, एंटर। यहाँ हमारा जनरल फॉर्मेट नज़र आ रहा है, क्लिक करते हैं इस पर और एंड तक सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रेस करेंगे कंट्रोल 1, जाएंगे टाइम में और एक डिजायर टाइम फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे और करेंगे ओके। हमारा यहाँ 8 AM आ चुका है, इसे हम ड्रैग नहीं कर सकते क्योंकि बाकी के पीरियड्स के लिए फॉर्मूला अलग होगा और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू, क्लिक करेंगे हम फर्स्ट पीरियड के टाइम पर, प्लस टाइम ब्रैकेट ओपन 0 कॉमा, हमें चाहिए मिनट, हम जाएंगे अपने सेटिंग शीट में और यहाँ हमने जो हर एक पीरियड का ड्यूरेशन दिया था 30 मिनट्स, उस पर क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा सेल लॉक हो जाएगा, कॉमा सेकंड हम देंगे 0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। 8:30 आ चुका है, इसे हम ड्रैग कर लेते हैं, हमारा यहाँ 9:30 तक हो चुका है, क्लिक करते हैं फोर्थ पीरियड के टाइम पर, इसे कॉपी करते हैं कंट्रोल सी या कमांड सी और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी। अब गौर करेंगे कि यहाँ पर 12:30 AM आ चुका है, हम जाएंगे फॉर्मूला बार में, यहाँ जो सेल रेफरेंस है वो आई का पिकअप कर रहा है तो इसे हम डिलीट करते हैं और एच का सेल रेफरेंस दे देते हैं, यानी कि पीरियड 4th का सेल रेफरेंस दे देंगे, एंटर। यहाँ पर 10 AM आ चुका है, लेकिन 10 AM में तो हमारा लंच ब्रेक होने वाला है तो हमें एक क्राइटेरिया और यहाँ पर इंसर्ट करना होगा, क्लिक करेंगे यहाँ, जाएंगे फॉर्मूला बार में, हमारा जो फॉर्मूला है उसे हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी या कमांड सी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी या कमांड वी और हम करेंगे एंटर। हमारा 10:30 AM आ चुका है।
अब हम इसे डायरेक्टली यहाँ ड्रैग नहीं कर सकते, हम इसे कॉपी करेंगे कंट्रोल सी या कमांड सी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी या कमांड वी और इसे हम ड्रैग कर लेंगे। सारे फॉर्मूलाज और टाइमिंग हमारे प्रॉपर हो चुके हैं। सेलेक्ट करते हैं सभी को, बॉर्डर्स इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ भी बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे हम, कलर चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर भी चेंज कर लेंगे, यहाँ भी हम कलर चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर चेंज कर लेंगे। जाएंगे व्यू में, शो ग्रिड लाइंस को हम रिमूव कर देंगे, कॉलम आई को हम क्लोज लेंगे, ये हमारा लंच ब्रेक होने वाला है, एन को ब्लैंक छोड़ते हैं, इसे क्लोज लेंगे, क्लिक करेंगे O4 पर, एंड तक सेलेक्ट कर लेंगे, आपस में इसे मर्ज कर लेंगे, कलर इंसर्ट कर लेते हैं, बॉर्डर्स भी इंसर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा स्कूल ओवर, एंटर, क्लिक करेंगे यहाँ, जाएंगे अलाइनमेंट में और यहाँ से हम ओरिएंटेशन को चेंज कर देंगे, रोटेट टेक्स्ट अप, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे, क्लिक करेंगे B2 पर और एंड तक सेलेक्ट कर लेंगे, इसे आपस में मर्ज कर लेंगे, कोई कलर इंसर्ट कर लेंगे, फॉन्ट कलर भी चेंज कर देंगे, रो साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, रो नंबर 3 को डिक्रीज कर लेते हैं, रो नंबर 1 को भी डिक्रीज कर लेंगे, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, ये हो जाएगा स्कूल टाइम टेबल, एंटर, रो नंबर N को थोड़ा और क्लोज लेते हैं, हमारा आउटलाइन रेडी है, क्लिक करते हैं यहाँ, बॉर्डर्स इंसर्ट कर देते हैं, कॉपी करते हैं इसे कंट्रोल सी या कमांड सी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर लेंगे, इसे लेफ्ट में अलाइन कर लेंगे, ये हो जाएगा नोट्स या फिर इंस्ट्रक्शंस, एंटर, रो नंबर 16 को क्लोज लेंगे, टाइम के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, एंटर, और ये हो जाएगा टीचर या फिर टीचर्स नेम, एंटर, कॉलम साइज को एडजस्ट करते हैं, टीचर्स नेम वाले रो को हम हाईलाइट कर लेंगे, कोई लाइट सा शेड इंसर्ट कर देंगे, यहाँ भी शेड इंसर्ट कर देंगे, अब हम कॉपी करेंगे इसे कंट्रोल सी या कमांड सी और बाकी के क्लासेस में इसे हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी या कमांड वी। हमारा आउटलाइन रेडी है, चलते हैं अपने फिल्टर्ड लिस्ट में और यहाँ हम अपने फॉर्मूलाज को इंसर्ट करेंगे, कॉलम नंबर G को क्लोज लेते हैं, हम यहाँ पर फिल्टर या फिर फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन RA। हम जाएंगे अपने सेटिंग शीट में और हम सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से बॉटम तक, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा, कॉमा काउंटिफ ब्रैकेट ओपन, जाएंगे टाइम टेबल के फॉर्मेट में और हम फर्स्ट पीरियड को सेलेक्ट करेंगे टॉप से बॉटम तक, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 दो बार, कॉमा, जाएंगे अपने सेटिंग शीट में, एक बार फिर से हम सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे टॉप से बॉटम तक, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर प्रेस करेंगे। हमारा यहाँ फर्स्ट फिल्टर लिस्ट आ चुका है, कॉलम साइज को एडजस्ट करते हैं, इसे हम एंड तक ड्रैग कर लेते हैं, जहाँ लंच ब्रेक का ऑप्शन है उसे हम डिलीट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं सारे कॉलम्स को और कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, यह है फिल्टर का फंक्शन जो कि MS Office 2021 या फिर 365 में अवेलेबल है, इनकेस आप ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी फॉर्मूला मैं आपको अभी बता देता हूं। हम जाएंगे टॉप पर, फर्स्ट पीरियड के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, यहां से हम अपने फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, जहां से हमारा फॉर्मूला काउंटिफ का है, काउंटिफ से लेके एंड तक सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी या कमांड सी, क्लिक करते हैं यहां पर प्लस या फिर इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, हमने जो अभी फॉर्मूला कॉपी किया उसे हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी या कमांड वी, एंड से ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे, कॉमा, जाएंगे अपने सेटिंग शीट में और यहां से हम सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से बॉटम तक, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार ब्लैंक के लिए देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां हमारा फिल्टर लिस्ट आ चुका है, ओल्डर वर्जन्स के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा और इनकेस आप अपडेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप फिल्टर का फंक्शन यूज कर सकते हैं। चलते हैं अब अपने टाइम टेबल के फॉर्मेट में, यहाँ आपको बहुत ही गौर से देखना होगा, हम पूरा रो सेलेक्ट यहाँ नहीं कर सकते हैं, हमें सिर्फ सेलेक्ट करने होंगे सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल, इनकेस आप मैकबुक यूज कर रहे हैं तो आपको प्रेस करना होगा कमांड, तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल या फिर कमांड और सारे क्लासेस के सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स, जाएंगे अपने फिल्टर्ड लिस्ट में और हम पीरियड 1 को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, इनकेस आप ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको टॉप वाला लिस्ट सेलेक्ट नहीं करना है, आपको ये वाला लिस्ट सेलेक्ट करना है और हम करेंगे ओके, तो हमारा यहाँ ड्रॉपडाउन क्रिएट हो चुका है।
आप गौर करेंगे कि जब मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं इंग्लिश यहाँ से डिलीट करता हूँ और आता हूँ क्लास सेवन्थ में तो यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन नज़र आ रहा है। हम अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट को ड्रैग नहीं कर सकते हैं, हमें हर एक पीरियड के लिए अलग अलग ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना होगा। प्रोसेस हमारा सेम होगा, क्लिक करेंगे सब्जेक्ट पर, प्रेस करेंगे कंट्रोल या फिर कमांड और सारे क्लासेस के सब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट करेंगे लिस्ट सोर्स, जाएंगे अपने फिल्टर्ड लिस्ट में और यहाँ से पीरियड टू के सारे सब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करेंगे और हम करेंगे ओके। तो यहाँ भी हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से हमें पीरियड थ्री से लेके पीरियड एट तक के ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना होगा। सारे ड्रॉप डाउन हमारे क्रिएट हो चुके हैं, सेलेक्ट करते हैं यहाँ से सब्जेक्ट को, सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश। तो क्लास सिक्स में हमने इंग्लिश असाइन कर दिया है। अगर हम क्लिक करते हैं क्लास सेवन्थ पर तो यहाँ पर इंग्लिश नज़र नहीं आएगा, या अगर हम नीचे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी देखिए सोशल साइंस नज़र आ रहा है। अगर हम सोशल साइंस यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सोशल साइंस नज़र नहीं आ रहा है, बाकी के सारे सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। कॉलम साइज़ को एडजस्ट कर लेते हैं। टीचर्स नेम, अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला इंसर्ट करना है और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन आरे। हम जाएंगे अपने सेटिंग शीट में और हम यहाँ से इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। हमें सारे हेडिंग्स को भी सेलेक्ट करना होगा। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा। कॉमा मैच ब्रैकेट ओपन, जाएंगे टाइम टेबल में और हम क्लिक करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट पर। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 दो बार। कॉमा, जाएंगे अपने सेटिंग शीट में और यहाँ हम सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से बॉटम तक। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा। कॉमा, जीरो लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। कॉमा, एक बार और हम यहाँ मैच यूज़ करेंगे। मैच ब्रैकेट ओपन, जाएंगे टाइम टेबल में। लास्ट टाइम हमने क्लिक किया था सब्जेक्ट पर, इस बार हम क्लिक करेंगे क्लासेस पर। जब मैंने क्लास सिक्स पर क्लिक किया तो यहाँ B6 से B7 नज़र आ रहा है रेंज, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेल को मर्ज किया हुआ था। तो B7 को यहाँ से डिलीट करते हैं हम। प्रेस करेंगे फंक्शन F4 दो बार। कॉमा, जाएंगे अपने सेटिंग शीट में और यहाँ हम सब्जेक्ट्स और क्लासेस के हेड को सेलेक्ट कर लेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा। कॉमा, जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट तब तक क्लोज करेंगे जब तक कि ब्रैकेट हमारा ब्लैक ना हो जाए। एंटर हिट करने से पहले इफ एरर का क्राइटेरिया हम इंसर्ट कर लेंगे। इफ एरर ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा दो बार, ब्लैंक के लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर हिट करेंगे। यहाँ टीचर का नाम नज़र आ रहा है, कॉपी करते हैं इसे कंट्रोल सी या कमांड सी, क्लास सेवन में पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी या कमांड वी। इसी तरीके से क्लास एट, क्लास नाइन और क्लास टेन में भी इसे हम पेस्ट कर देंगे। सभी जगह अल्बर्ट नज़र आ रहा है। हम कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉलम साइज़ को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ हमें कुछ सेल रेफरेंस चेंज करना होगा। मैं अगर क्लिक करता हूँ फर्स्ट टीचर के नेम पर तो यहाँ टाइम टेबल में E6 का रेंज ले रहा है ये, या फिर सेल नंबर E6 का ले रहा है जो कि है फर्स्ट क्लास का सब्जेक्ट E6। यहाँ मुझे जो रेंज चाहिए वो चाहिए E8, यानी कि क्लास सेवन्थ का सब्जेक्ट। E6 को डिलीट करते हैं E8, एंटर। इसी तरीके से क्लास एट में आते हैं, उससे पहले हमने क्लास सेवन्थ का इंसर्ट किया, मीन्स चेंजेस हमने क्लास सेवन्थ में किए। क्लास एट में आते हैं, यहाँ रेंज चाहिए E10, ये वाला 10 है और यहाँ पर सोशल साइंस है। 6 को डिलीट करते हैं, 10 करते हैं, एंटर। नीचे आते हैं, यहाँ चाहिए 12, यानी कि E12, 6 को डिलीट करते हैं E12, एंटर। लास्ट में आते हैं, यहाँ जो हमें करना है वो करना है फॉरेन लैंग्वेज का, जो कि है 14 में E14, 6 को डिलीट करते हैं, 14 टाइप करते हैं, एंटर। सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। सारे क्लासेस में फॉर्मूलाज को हम ड्रैग कर लेंगे, परफेक्ट। सेंटर से सारे फॉर्मूलाज को हम डिलीट करते हैं। अगर हम यहाँ कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली टीचर का नाम नज़र आएगा। कॉलम साइज को एडजस्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसे टॉप से बॉटम तक और आपस में मर्ज कर लेते हैं। कोई कलर इंसर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा लंच ब्रेक, एंटर। क्लिक करते हैं, यहाँ जाते हैं अलाइनमेंट में, ओरिएंटेशन, रोटेट टेक्स्ट अप, फॉन्ट कलर को चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, परफेक्ट। बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं इसे कंट्रोल सी या कमांड सी, जाते हैं फिल्टर्ड लिस्ट में और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी या कमांड वी। इसे हम प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं, परफेक्ट। आते हैं टाइम टेबल में, सारी चीज़ें यहाँ हो चुकी हैं,
और हमारा फॉर्मेट रेडी है। मैं फॉर्मेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड ऑप्शन सिर्फ चैनल मेंबर्स के लिए है। फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।